ऑफ कर रहे हो तुम? क्या नहीं ऑन कर रहा हूँ, बोलने जा रहा तो ऑफ करके जा रहा है। हेलो। तो ऐसा कोई पोएट्री या वो नहीं है, बस थोड़ा सा कोरोना के किस्से हैं जो मैंने विटनेस किए थे, मेरे अकॉर्डिंग कोरोना के किस्से। तो इट वाज मतलब दिसंबर 2019 की बात है, तब ऐसे 100 फास्ट ट्रैक में 100 न्यूज नहीं आती, उसमें एक छोटी सी न्यूज आई थी कि चाइना में कोई वायरस फैला है। तो मैं और पापा देख रहे थे टीवी, पापा को लगा कि मतलब क्या खाते रहते हैं ये लोग, कुछ भी जानवर कोई भी खा लेते हैं। फिर व्हाट्सएप पे तो सबने देखा ही होगा, सांपों को तल रहे हैं और पता नहीं जो भी मिल जाए खा लेते हैं। तो वो बोले कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, पर उस टाइम पे ये अंदाजा नहीं था कि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो अंगारे आ सकते हैं, कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब मैं क्रोनोलॉजी में चलूंगा, क्रोनोलॉजी समझते हैं तुम था तो 22 में कोई क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहा है, वैसी वाली। तो ऐसे धीरे धीरे इंडिया में सब चिल था, तब उस टाइम पे इतना कोरोना नहीं था। तो अचानक से मार्च फर्स्ट वीक की बात है या फरवरी लास्ट वीक की बात है, तो एक आदमी आगरा में एक आदमी आया और एक बर्थडे पार्टी में गया एक्चुअली, और विस्फोट एकदम। तो इट वॉज लाइक जैसे कोई धूमकेतु एस्ट्रॉइड गिरा और डायनासोर खत्म हो गए। तो वैसे ही इंडियंस को फील हुआ कि भाई यही जिम्मेदार है, अब हम सारे लोग मरेंगे। तो ऐसा फीलिंग दे रहा था। फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े केस बढ़ने लगे और आई वॉज ऑन माई श्रीलंका ट्रिप। श्रीलंका में कोई केस नहीं था अप टू लास्ट डे, जब मेरा लास्ट डे था 4th में, कोलंबो में थे हम। तो एक केस आया, मतलब एक केस आया और आंधी की तरह पूरी श्रीलंका में सर्कुलेट हो गया कि भाई कोरोना आ गया इधर, कोरोना आ गया। और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, सब मास्क फूट रहे हैं, मास्क इधर है। वी वर लाइक के हमारे मास्क भी तो हम लोग इंडिया से लाए थे। अब मास्क के बारे में एक चीज है कि यार अगर सेम मास्क होते हैं ना तो लड़कों के लिए ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो, लड़कियों के लिए तो लिपस्टिक वगैरह देख के पहचान लें मास्क। तो एक केस आया और हम लोग अपने ड्राइवर जो हम लोग साथ 4 दिन से लगातार दिन रात था उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और ड्राइवर वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, मैं 4 दिन से तुम लोग साथ तुम लोग मुझे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां से फिर एक केस से बच के निकल आए, फिर एयरपोर्ट पे जो फालतू के कागज वागज सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता था, कोई खांसी जुकाम कुछ नहीं है, इंडिया के क्वारंटाइन। फिर क्वारंटाइन का रूल्स स्टार्ट हुआ, क्वारंटाइन के रूल्स बड़े अजीब थे, मतलब मैं वहां से आ गया एंड आई वॉज एट होम 10-15 दिन निकल आए तो मुझे फोन आता है थाने से, फोन आता है कि आप बाहर से कहीं से आए। तो मैं मुझे लगा कि 15 दिन तो हुए थे लगभग, मैंने बोला मैं आया था 15 दिन। तो बोले नहीं 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 आपको आना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, ये वो करके ले गए मुझे इसको। तो एक वो थी संग में कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल, बोली कहाँ से आया, मैंने बोला श्रीलंका से। शी वाज लाइक श्रीलंका में कौन जॉब करता है, किसी अच्छे देश में चले जा सकते। मैंने कहीं घूमने गया जॉब। तो वहां जाके अस्पताल में कुछ नहीं हुआ, बस एक ठप्पा लगा दी, क्वारंटाइन वाला ठप्पा, क्वारंटाइन वाला एक नीले कलर का था। और लोग वो ऐसा था उस टाइम पे कि मतलब जब एक स्ट्रिक्ट था, लोग स्ट्रिक्ट थे बहुत कि बाहर से आ रहे तो हाथ धोने। तो कोरोना का ठप्पा लेके गया घर पे, हाथ धोए, मम्मी ने बोला कि ढंग से नहीं धो दोबारा, तो ठप्पा चला गया। मतलब इतना हल्का था, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं क्वारंटाइन हूँ, किसी को दिखाने का नहीं, ठप्पा चला गया, एक बार हाथ धोया ठप्पा चला। फिर उसी टाइम पे ये जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा था, सीन चल रहा था, अचानक से लग गया। तो जब अचानक से लॉकडाउन लगा तो लोगों में बड़ा क्रेज था कि मतलब देखें तो क्या है, लोग होता क्या लॉकडाउन, घर पे बैठे हैं, मन नहीं मान रहा है कि रोड पे जाके देखें, रोड पे जाके देखें, पुलिस वाले सूद दे रहे हैं तो घर पे आके बोल रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन ऐसे ही होता है। अब एक एक चचा थे गली में, मिर्जापुर वाले नहीं थे, दूसरे पे। तो वो अपने लड़के के साथ एक बोरा लेके जा रहे थे, बोरा हमारे कट्टा बोलते हैं, बोरा लेके भागते हुए जा रहे थे। तो पूछा कहाँ जा रहे हैं चचा, तो बोला कि इमरजेंसी में क्या हुआ था कि ऐसा ही कुछ हुआ था और वहां पे बहुत लूटा था हम लोगों ने, दुकानों को बहुत लूटा था।
तो एकदम भाग के जा रहे थे, मतलब रुक ही नहीं रहे, रोक रहे थे कि भाई को वहां पे सब कुछ बंद है, ये है, वो रुक ही नहीं रहे, जा रहे थे। फिर अब थोड़ी देर बाद एकदम लाल पीले और लंगड़ाते हुए आ रहे थे वापस है। हाँ, और कहते हुए आ रहे थे घर पे रहना, सब लोग घर पे रहना, घर पे रहना। पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो बोले पुलिस वाले ने बहुत कूटा और कट्टे भी छीन लिए हम लोग। और ये बोला कि ये बोलते हुए जाना कि घर पे रहे, सब लोग सुरक्षित रहे, घर पे रहे सुरक्षित रहे, घर पे रहे सुरक्षित रहे, ये बोलते हुए जाना है, नहीं तो फिर से ट्रेस करेंगे, फिर से पीटेंगे। तो ये स्टोरी थी, लॉकडाउन में लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, नई नई चीजें कर रहे थे। जैसे एक डालगोना कॉफी आया था, सुना ना डालगोना कॉफी, ट्रेंड चला, मैंने बनाया, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कॉफी था, बना के पिया, रात को नींद नहीं आई, इतना स्ट्रॉन्ग, अजीब तरह का था। लोग अजीब अजीब चीजें कर रहे थे, बच्चे घर पे बोर हो रहे थे, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी बच्चों। अब ऑनलाइन क्लास का चक्कर क्या था कि जैसे नॉर्मल क्लास में ये होता है कि कोई कोई टीचर अब घर पे अपनी पत्नी से डांट खा के आता है, तो सारी खुन्नस लास्ट में जो बच्चे बैठते हैं उन पे निकालते हैं सारे, मतलब दो चार दे दिए और स्कोल्ड कर देना उन लोग, डांट देना कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, ये हो तुम लोग, वो हो। तो ऐसे लोगों को, ऐसे टीचर से बच्चों ने बहुत खुन्नस निकाली, मतलब उल्टे सीधे यूजर नेम से क्लास में एंटर हो रहे थे और लिख रहे थे कि सर ये कर दो, सर वो कर दो, कोई मतलब अलग अलग जगह, कभी कभी तो देखा होगा वीडियो वायरल होते, फोन भी चला दे रहे थे बच्चे। तो ऐसे खुन्नस निकाली लोगों ने, ये कुछ नहीं, खुन्नस निकाल रहे थे। आउटरेज भी बहुत बड़ी कोरोना के टाइम, आउटरेज, आउटरेज में ये हुआ कि लोगों ने क्या किया, यूपी बिहार के लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति के खिलाफ FIR दर्ज कराने गए। मतलब व्हाट द फक, चाइना के राष्ट्रपति के खिलाफ FIR दर्ज कराने गए। इट वाज लाइक इंडियन पुलिस जो उस कंट्री में जाएगी जिसने सबसे पहले फॉरेन